अंजुम डेकोरेटर धनबाद में नंबर वन, कॉन्टैक्ट फॉर फैंसी पंडाल डेकोरेशन। हमारा पता है जब्बार कैंपस भुली रोड धनबाद। आप देख रहे हैं नेशनल टुडे लाइव धनबाद का नंबर वन न्यूज पोर्टल। मैं हूं सरताज। चलिए खबर की ओर। धनबाद में इन दिनों आईपीएल वाला मंच है। जी हां, मैं आपको बता दूं कि पांडर पाला प्रीमियर लीग सीजन 4 का आगाज हो चुका है। पीपीएल के एक मुकाबले में रहमत गन वारियर्स ने एसएस पंडरपाला को रोमांचक मुकाबले में 2 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला ली थे रहमत गन वारियर्स की टीम ने। एसएस पंडरपाला की टीम 14 ओवर में 134 रन ही बना पाई, जिसमें उनके कप्तान फहद आफ्ताब ने 56 रन की तेज तरार पारी खेली। जवाबी पारी खेलने उतरी रहमत गन वारियर्स 13.5 बॉल में 2 विकेट शेष रहते हुए मैच जीत लिया। अंतिम 24 गेंद पर 57 रन बनाना था, तब बल्लेबाजी करने उतरे डाबो खान, जो सीनियर बल्लेबाज। डाबो खान ने मैच को हार से जीत तक ले गया। शानदार बल्लेबाजी डाबो खान द्वारा अपने करियर का। इससे पहले डाबो खान पीपीएल में नहीं चल रहे थे, सवालिया निशान उठ रहा था। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से मैन ऑफ द मैच डाबो खान को दिया गया। स्वागत है हमारे चैनल पे। आज पीपीएल में आज आपकी टीम सेमीफाइनल में प्रवेश की, तो बताएं आपकी टीम यहाँ तक पहुँचने में किस तरह सफर रहा आपकी टीम का? हमारी टीम शुरू से अच्छा खेली है, बीच के 2 मैच लेट हो गए, लेकिन खास करके आज के मैच में हमारे दाऊ भाई सीनियर प्लेयर हैं, अच्छा खेले पिंटू, और रोहित सिंह फ्लॉप रहे, लेकिन फिर भी उनका मैं धन्यवाद करूँगा अगले नेक्स्ट मैच के लिए, और कोशिश करूँगा कि इससे बेहतर परफॉर्मेंस हो, और कोशिश ये भी रहेगा कि बॉलिंग ठीक टाइप हो और क्या फील्डिंग एक्स्ट्रा ना जाए। आपकी टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर ली है, तो आगे आप लोग का क्या निर्णय है, आगे क्या लेके उतरेंगे तय? आगे के लिए फाइनल के लिए प्रवेश करने की कोशिश करूँगा, और कोशिश कर रहेगा यही कि हर मैच जीते और हो सके तो अच्छा परफॉर्मेंस करें। आप टीम के क्या हुए हैं? हमारे टीम के फ्रेंचाइजी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे टीम पे हमारे चैनल पे बने आओ।